तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली एसएससी फेज 12 का 21 जून का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 21 जून फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो देख लेते हैं एसएससी फेज 12 की 21 जून की पहली पाली में कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, ये किसकी किताब है? ए शॉर्ट एट हिस्ट्री जो है ना, ये अभिनव बिंद्रा की किताब है। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा की ये आत्मकथा है, कौन सी? ए शॉर्ट एट हिस्ट्री। ये पुस्तक अभिनव बिंद्रा और रोहित ब्रजनाथ ने लिखी थी, और ये भी आपको ध्यान में रखना है, भारतीय निशानेबाज हैं अभिनव बिंद्रा। अगर पेपर में पूछा जाए कि अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है, तो अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाज से है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, माई रोलर कोस्टर राइट टू सक्सेस, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। देखिए पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। द नाइस गाइड टू फिनिश फर्स्ट, ये किसकी आत्मकथा है? राहुल द्रविड़ की। प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी आत्मकथा है? प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। MSD द मैन द लीडर, ये किसकी आत्मकथा है? महेंद्र सिंह धोनी की ये आत्मकथा है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा जो है ना, ये मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? श्री एन वीरेन सिंह। मणिपुर के राज्यपाल कौन है? डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो ये लाई हरोबा जो लोक नृत्य है, ये किस जनजाति के द्वारा मनाई जाती है? तो ये मिताई जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। किस जनजाति के द्वारा ये मनाई जाती है? मिताई जनजाति के द्वारा। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर हम कुछ लोक नृत्य की अगर हम बात करें, अगर पेपर में पूछा जाए केरल का लोक नृत्य क्या है, तो केरल का लोक नृत्य है ओणम और विशु। नागालैंड का लोक नृत्य क्या है? हार्नविल उत्सव, मोत्सु उत्सव। कौन सा है? हार्नविल उत्सव और मोत्सु उत्सव, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि सांबर झील ये कहाँ पर स्थित है? सांबर झील जो है ना, ये राजस्थान में स्थित है। कुछ झीलें हैं उनके बारे में जान लीजिए। चिल्का झील की अगर हम बात करें, तो चिल्का झील ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। अगर हम बुलर झील की बात करें, तो बुलर झील जम्मू और कश्मीर में है, और यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर हम बात करें वेम्बनाड झील की, तो वेम्बनाड झील ये भारत की सबसे बड़ी झील है, और यह केरल में स्थित है। अगर हम बात करें सांबर झील की, तो सांबर झील ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है, और ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो सांबर झील को जो है नमक झील भी कहा जाता है, और ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। देखिए चौथा क्वेश्चन पूछा गया था कि डिसलाइन का एटोनियम्स पूछा गया था, तो डिसलाइन का एटोनियम्स होता है एक्सेप्ट। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पांचवा क्वेश्चन, इब्न बतूता भारत किस देश से आया था? देखिए इब्न बतूता जो है ना, ये मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन्हें जान लीजिए, जैसे कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगर पेपर में पूछा जाए कि हैनस्वांग किसके शासनकाल में भारत आया, तो हैनस्वांग जो है ना, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन का नाम बताओ। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जो जन आंदोलन था, वो था असहयोग आंदोलन। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि असहयोग आंदोलन प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 4 सितंबर 1920 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है।
देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह साबरमती से किया था। कहाँ से किया था? साबरमती से। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह, ये दोनों एक ही चीज़ हो जाते हैं। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, और ये दांडी नवसारी में 5 अप्रैल 1930 तक चला था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था राम नवमी ये कब मनाया जाता है। तो राम नवमी जो है ना, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके बारे में जान लीजिए। अगर पेपर में पूछा जाए हिंदू नव वर्ष कब मनाया जाता है, तो हिंदू नव वर्ष चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। अच्छा, ये बताइएगा धुलंडी कब मनाया जाता है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो देखिए धुलंडी जो है ना, ये चैत्र कृष्ण प्रथम तिथि को मनाया जाता है। गणगौर कब मनाया जाता है, तो गणगौर जो है ना चैत्र शुक्ल तृतीयों को मनाया जाता है। ये सारे त्यौहार जो है आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, रेलवे के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो रेलवे के वर्तमान अध्यक्ष हैं जया वर्मा सिंह। कौन है? जया वर्मा सिंह। अगर पेपर में पूछा जाए कि रेलवे के वर्तमान रेल मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल। सीईओ कौन है? सुनीता शर्मा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पेपर में पूछा जाए कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसने की थी, तो भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1853 ईस्वी में। और पहली जो ट्रेन थी भारत की, वो कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आप लोग भी बताइए। एक क्वेश्चन था गाइस कि घूमर नृत्य किस राज्य का है। देखिए घूमर नृत्य जो है ना, ये राजस्थान का है। कुछ मुख्य मुख्य नृत्य हैं किस राज्य के, कौन सा लोक नृत्य है जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक से दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। अब आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी, बिलासिनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम, भामाकल्पम, देवता गुल्लू, लिवाड़ी, ढिप्सा, कोलायड और वट्टा बूमल। ठीक है, असम का विहू जो ना, विहू ये असम का लोक नृत्य है। नागा नृत्य, खेल गोपाल, और भी काफ़ी सारे नृत्य हैं, जैसे कि नट पूजा हुआ, महाराष हुआ, ये सभी असम के लोक नृत्य हैं। गुजरात का गरबा, डांडिया, रास, तिपनी और जूरियन, ये गुजरात के लोक नृत्य हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, दसवां क्वेश्चन हमारा, तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर जो है ना, ये तीसरा प्रमुख महासागर है, और यह महासागर पृथ्वी के 20% हिस्से को घेरता है। यह महासागर भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच में पाया जाता है। हिंद महासागर पूर्व में प्रशांत महासागर से मिलता है। अगर हम बात करें प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। अगर पेपर में पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो वो है प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर ये ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेरिका और ओशेनिया के बीच फैला हुआ है। अगर हम बात करें अटलांटिक महासागर की, तो यह पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर। और यह महासागर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप से आर्कटिक सागर तक फैला हुआ है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, दूसरे नंबर की सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। दूसरे नंबर की सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन था, IRDAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो IRDAI के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री देवाशीष पांडा। कौन है? श्री देवाशीष पांडा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 171 का संबंध किससे है। किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। इसका संबंध जो है अनुच्छेद 171 से है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जैसे कि अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 में प्रावधान है किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। 172 तो मैंने आपको बता दिया है। अनुच्छेद 173 में क्या है, संविधान के अनुच्छेद 173 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य बनना चाहता है, उसे भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखनी चाहिए, जैसा कि कानून द्वारा स्थापित किया गया है, और सर्वप्रत्ता को बनाए रखने का वचन देता है भारत की अखंडता, और यह सुनिश्चित करने के लिए उसे एक शपथ या प्रतिज्ञान करना होगा। ठीक है, यही आपको ध्यान में रखना है।
सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि आईपीएल का पहला मैच कहाँ पर और किसके बीच खेला गया। आईपीएल का जो पहला मैच है चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच में खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था? चेन्नई के एम एच चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि हेमंत चौहान कौन से राज्य से संबंधित हैं, तो हेमंत चौहान जो है ना गुजरात राज्य से संबंधित हैं, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हेमंत चौहान का संबंध, ये एक लेखक और गायक हैं और इन्हें भारत सरकार द्वारा 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था गाइस कि संविधान कब लागू हुआ था, तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। देखिए आर्टिकल से 2 से 3 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, अगर आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं तो आर्टिकल से जरूर क्वेश्चन देखकर जाइएगा। अनुच्छेद 71 का संबंध, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी संदेश या विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो इतने ही क्वेश्चंस हमको मिले थे, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।